सोलन में भाजपा ने चुनावों के मद्देनजर रखते हुए चुनाव कार्यालय खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर हवन करके कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार, भाजपा नेता राजेश कश्यप, प्रदेश प्रवक्ता रितु सेठी भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। भाजपा के इस कार्यालय से ही चुनावी रणनीति बनाई जाएगी और भाजपा प्रत्याशी को सोलन मंडल से लीड दिलवाने के लिए कार्यकर्ताओं को अवश्य दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार और प्रवक्ता रितु सेठी ने कहा कि उनके द्वारा आज मंडल का कार्यालय खोला गया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजपा को विजय दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और जयराम सरकार की उपलब्धियां, नीतियां और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रत्याशी सुरेश कश्यप देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा जाएगा ताकि क्षेत्र की समस्याओं को हल किया जा सके। उसी तरह से इस बार भी महिला मोर्चा सक्रिय रूप से घर घर जाकर मोदी जी की नीतियों का और जयराम सरकार की नीतियों का अवगत उनको जनता को कराएगी। जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं, तो महिलाएं इसमें जोर शोर से काम कर रही हैं कि हमने इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो लीड है वो अपने प्रत्याशी जी को दिलानी। प्रदेश सरकार भले ही भ्रष्टाचार रोकने के खूब दावे कर रही है, लेकिन सरकारी विभागों के अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर खुलेआम इन प्रयासों को ठेंगा दिखा रहे हैं। सतौन पोका सड़क का निर्माण का कार्य काफी समय पहले शुरू हो चुका था और इसकी कुल लंबाई 14 किलोमीटर की थी और इसमें लगभग 7 करोड़ की राशि खर्च होनी थी। आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण इस सड़क का फायदा ले सकते थे। यही नहीं, यहाँ के प्रसिद्ध बहारा क्षेत्र मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु भी आते हैं, पर सड़क निर्माण ऐसे घटिया सामग्री से किया जा रहा है कि सभी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सतौन पोका सड़क के निर्माण में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। मुनाफे के चक्कर में घटिया माल का उपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। घटिया निर्माण को लेकर लोगों में आक्रोश है। सड़क निर्माण के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण की एक बार भी जांच नहीं की गई, जिस कारण ठेकेदार अपनी मनमर्जी से सड़क के निर्माण का काम कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीने पहले सड़क का निर्माण शुरू हुआ था। ठेकेदार द्वारा समय से पहले सड़क को खोद दिया गया। लोगों को इस मार्ग से निकलने में परेशानी भी हुई। लंबे इंतजार के बाद पोका पंचायत रोड बनाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन निर्माण से पूर्व ही सड़क उखड़ गई। अगर ऐसी सामग्री का उपयोग किया गया है तो सड़क एक महीने भी नहीं चलेगी। पचास साठ सौ बीघा जमीन नुकसान हुआ है, जो किसी काम लायक खेती लायक नहीं रही जमीन, और साथ में 10-15 मकान भी इसकी चपेट में आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि मीडिया हमारी इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाए, आगे तक ले जाए और डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करे कि इनकी समस्याओं को सुने और इनका समाधान किया जाए। यही हमारी नूरपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों के बाद सभी समीकरणों के साथ साथ विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर खाली होने वाले मंत्री पद को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल को रीशफल भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनावों में विधायकों तथा मंत्रियों की परफॉर्मेंस का पैरामीटर देखने के बाद सरकार स्वतंत्र होगी कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन विधायक शामिल होगा। जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान, जिसमें उन्होंने जयराम तजुर्बा ले रहे हैं, पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के बुजुर्ग नेता हैं, उनका सम्मान करते हैं। जयराम ने कहा कि उनको 22 साल राजनीति में हो गए हैं, इस दौरान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी वे रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं और 5 बार विधायक रहे हैं।
تجربہ بیانبازی سے نہیں بلکہ کام سے آتا ہے۔ ان چناؤں میں سرکار کا کام پردیش کی چاروں سیٹیں جتانا ہے۔ جہرام ٹھاکر نے کہا کہ پردیش میں کانگریس کی استھتی نازک ہے، جس کا ادھارن ہے کہ لوک سبھا کے پرتیاشیوں کی گھوشنا 3 چرنوں میں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہار کے ڈر کے کارن بڑے نیتا چناؤ سے کنی کاٹنے لگے ہیں۔ کانگریس کے بڑے نیتا بھاپ گئے ہیں کہ اس بار ٹکٹ لے کر کوئی فائدہ نہیں ہے، جیت بھاجپا کی ہی سنشچت ہے۔ سکھرام اور چندیل کے کانگریس میں چلے جانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ سکھرام آئے ہی نہیں تھے تو جائیں گے کہاں۔ بھاجپا کی سدسیتا صرف انیل شرما نے گرہن کی ہے، اس لیے سکھرام ان کے پتا ہونے کے ناطے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ سریش چندیل ہماری پارٹی کے ساتھ تھے، پارٹی سے گئے، اس بات کا دکھ ضرور ہے۔ چندیل کے دوارا کچھ بھاجپا نیتاؤں کے پارٹی چھوڑ کانگریس میں شامل ہونے کے سوال پر جہرام ٹھاکر نے کہا کہ یہ وہ جانے پر ہم اتنا کہہ سکیں گے کہ کانگریس کے نیتا بھی بھاجپا میں شامل ہونے والے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں۔ جیل جی نے کہا ہے کہ کچھ بھاجپا نیتا جو ہے کچھ ہی دنوں میں کانگریس جوائن کرنے والے ہیں، اس کے بعد دیکھیے یہ تو وہ جانے ہیں، لیکن ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے کانگریس کے نیتا بھی جو ہے وہ بھاجپا میں شامل ہونے والے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں۔ منڈی سنسد